नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। मैं हूं ओजस्वी चौहान। हिमाचल प्रदेश की जो भी आज दिन भर की इम्पोर्टेंट खबरें हैं वो इस लाइव स्ट्रीम में हम डिस्कस करेंगे। और जो सबसे पहली खबर हमारी लिस्ट पर है जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है टांडा मेडिकल कॉलेज की जो टीचर्स एसोसिएशन है उन्होंने एक खत लिखा है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को, ये अर्ज करते हुए कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार का फैसला है उनकी विंटर ब्रेक्स को 37 डेज यानी 37 दिन से घटाकर 25 दिन कर देने का, उसके खिलाफ ये पत्र उन्होंने लिखा है। डॉक्टर मुनीष सरोज जो प्रेसिडेंट हैं टीचर्स एसोसिएशन के, उनका कहना है कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ और ऑलरेडी काफ़ी जो रिसोर्सेज फैसिलिटीज़ जो बाकी प्रदेशों में डॉक्टर्स को मिलती हैं टीचर्स को मिलती हैं उसके कंपैरिजन में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो काम करते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं, तो उस पर जो है असर पड़ेगा अगर गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है तो, क्योंकि टीचर्स ने ये कह दिया है कि वो जो है वो इमरजेंसी ड्यूटीज से विड्रॉ कर लेंगे अगर उनकी जो विंटर ब्रेक्स की जो ड्यूरेशन है उसको कम किया जाता है तो। मूविंग अहेड, अगर हम आज की दूसरी खबर की बात करें तो वो हिमाचल प्रदेश के एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है उसने हाल ही में फार्मर सेंट्रिक यानी फार्मर्स के वेलफेयर के लिए, किसानों के वेलफेयर के लिए बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं। अगर हम डिस्कस करें उनमें से कुछ डिसीजंस तो, जैसे कि एक डिसीजन है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का 6 लाख प्रीमियम सैपलिंग्स किसानों को देने का, और उसके अलावा एक और डिसीजन है दुनिया का पहला जियो थर्मल स्टोरेज बनाने का। जो हिमाचल प्रदेश की जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसका एक मेजॉरिटी यानी उसकी एक बैकबोन हम कह सकते हैं हॉर्टिकल्चर है। 234 यानी 234 लाख हेक्टेयर लैंड जो है वो फ्रूट कल्टीवेशन को डेडिकेटेड है और वो पूरे साल का 5,000 करोड़ रुपए जो है इनकम में जनरेट करता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 9 लाख से ज़्यादा हिमाचल प्रदेश के लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए और अपनी इनकम के लिए वो इस सेक्टर पर डिपेंडेंट हैं। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लेती हुई दिखाई दे रही है और लोगों के जो किसान हैं उनके बेटरमेंट के लिए, उनकी इकोनॉमी, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट लेती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के एक स्पोक्स पर्सन ने हाल ही में ये भी शेयर किया था कि इस बार जो है 20 और ए ग्रेड एप्पल सैपलिंग्स जो हैं वो मतलब तैयार किए गए हैं और वो फार्मर्स को काफ़ी अफोर्डेबल नॉमिनल प्राइसेस पर दिए भी जाएंगे। आज की जो तीसरी खबर है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से आती है। शिमला ने गर्मियों के समय में काफ़ी ज़्यादा वाटर शॉर्टेज फेस किया था और उस समय एक सुझाव लाया गया था कि जो पब्लिक वॉशरूम्स हैं शिमला में उनमें स्प्रिंग वाटर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना कि जो अभी ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो ड्रिंकिंग वाटर, जो अच्छी क्वालिटी का पानी जो पीने के लिए रेजिडेंशियल एरियाज में जाता है वही पानी पब्लिक वॉशरूम्स में भी जाता है। तो उस पानी को कंजर्व करने के लिए और जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए रेजिडेंशियल एरियाज के लिए ये डिसीजन अभी लिया गया है, जो कि सुझाव गर्मियों के समय दिया गया था। और अभी 3 लोकेशंस शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आइडेंटिफाई भी की हैं इसके लिए जहां पर ये किया जाएगा। इनमें से एक लोकेशन ISBT है जो इंटरस्टेट बस टर्मिनल है, वहां पर जो पब्लिक वॉशरूम्स हैं उनमें जो पास की वाटर बॉडीज हैं वहाँ का पानी उन वॉशरूम्स में यूज़ किया जाएगा ताकि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो रेजिडेंशियल एरियाज की तरफ डायरेक्ट किया जा सके। इसके अलावा अगर हम डिफॉल्टर्स की बात करें तो जो शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड है उनको उन्होंने हाल ही में 160 डिफॉल्टर्स को नोटिसेस इशू किए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना पानी का बिल नहीं भरा है, इनको एक वार्निंग भी साथ में इशू की गई है कि अगर ये ड्यू डेट तक अपने बिल्स क्लियर नहीं करते हैं तो इनका पानी का और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन जो है वो काट दिया जाएगा। 360 इस तरह के टोटल डिफॉल्टर्स हैं, नोटिसेस तो 160 को इशू किए गए हैं लेकिन 360 इस तरह के डिफॉल्टर्स हैं शिमला में, जिनसे जो शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड है उनको रिकवर करना है लगभग एक एस्टिमेटेड अमाउंट 30 करोड़ रुपए का।
ये प्रैक्टिस अभी की जाएगी और उसके बाद हमें पता चलेगा कि कितना इफेक्टिव ये जो प्रैक्टिस है स्प्रिंग वाटर यूज करने वाली, ड्रिंकिंग वाटर की जगह वॉशरूम्स में, ये कितनी इफेक्टिव रहती है वो अभी जब समर्स आएंगे गर्मियों में, क्योंकि शॉर्टेज अक्सर फेस की जाती है पानी की, तो उस समय इस प्रैक्टिस का क्या इफेक्ट रहता है वो हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो हमारी अगली खबर है जिस पर हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे वो एक काफ़ी सीरियस बात है। जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जुविनाइल क्राइम यानी 18 साल की उम्र से कम के जो लोग अपराध करते हैं उसमें वृद्धि देखी गई है। काफ़ी ज़्यादा पिछले 5 सालों में इसमें इंक्रीज हुआ है, और चाहे आप मर्डर कहें या अटेम्प्ट टू मर्डर कहें, रेप कहें, अबडक्शन यानी किडनैपिंग, सभी तरह के जो केसेस हैं उन्होंने एक कंसर्निंग पैटर्न दिखाया है। तो एक कम्युनिटी लेवल पर एक इंटरवेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि जो जुविनाइल क्राइम है वो अगर बढ़ रहा है कहीं पर तो ये अच्छा संकेत बिल्कुल भी नहीं है। और टाइमली इंटरवेंशन से या काउंसलिंग से या जो भी प्रोग्राम्स कम्युनिटी लेवल पर करवाए जा सकते हैं, कुछ भी करके जो ये मेंटालिटी है, जो क्रिमिनल मेंटालिटी है, उसे हमें अपने यूथ में, अपने जुविनाइल्स में पनपने से रोकना होगा। और उसके लिए हम प्रोग्राम्स चला सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं, या जो भी जिस भी लेवल पर किया जा सकता है, ये जो है एक विषय है जिस पर पुलिस से लेकर सरकार और कम्युनिटीज, एनजीओ, सभी को काम करना चाहिए। एक रिपोर्ट ट्रिब्यून में आज पब्लिश हुई है जिसमें कि उन्होंने आंकड़े दिए हैं कि किस तरह से पिछले 5 सालों में, अगर हम सिर्फ पिछले 5 सालों की बात करें, तो ये जो क्राइम्स हैं जो जुवेनाइल्स ने कमिट किए हैं वो किस तरह से बढ़े हैं, और साथ ही अंडर रिपोर्टिंग भी होती है। अगर हम जो आंकड़े हमारे पास आते हैं वो सिर्फ वो होते हैं जो रिपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन काफ़ी बार जो क्राइम्स होते हैं वो स्टिग्मा की वजह से या जो भी रीज़न हो उनको रिपोर्ट नहीं किया जाता है, तो उस तरह के क्राइम्स भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। लेकिन रिपोर्टेड या अंडर रिपोर्टेड क्राइम तो क्राइम होता है, और अगर जुवेनाइल उसमें इन्वॉल्व हैं तो ये एक काफ़ी कंसर्निंग बात है। आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा कि आपके हिसाब से क्या सही तरीका है इस प्रॉब्लम को टैकल करने का, क्योंकि अभी तो हम पर्टिकुलरली मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो जुवेनाइल क्राइम्स हैं वो पूरे प्रदेश में ही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंडी में हुए हैं। हाँ, मंडी के जो आंकड़े हैं वो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग रहे हैं ओवर पास्ट 5 ईयर्स। तो आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा कि आपके हिसाब से इसका क्या सलूशन होना चाहिए और किस तरीके से इस प्रॉब्लम को एज अ कम्युनिटी हम सबको टैकल करना चाहिए। अगली खबर भी शिमला से ही है। शिमला से 12 स्ट्रीट वेंडर्स को, यानी जो रेडी फ्री लगाते हैं स्ट्रीट पर, उनको हटा दिया गया है क्योंकि वो अनऑथराइज्ड साबित हुए। उनके पास जो रिक्वायर्ड परमिट्स थी वो नहीं थी। इनमें से जो मोस्टली लोग थे वो नेबरिंग स्टेट्स से थे, जैसे कि चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इस तरह के अलग अलग स्टेट्स से ये लोग आए थे, पंजाब से भी कुछ लोग थे। तो इनके पास जो दस्तावेज प्रेजेंट होने चाहिए वो प्रेजेंट नहीं थे। अगर आपको याद होगा कि संजौली में किस तरह से जब अनरेस्ट हुआ था, तो वो अनरेस्ट जो था, हालांकि वो एक मस्जिद से रिलेटेड था, लेकिन वहाँ पर भी ये बात की गई थी कि स्ट्रीट वेंडर्स की एक पॉलिसी बनाई जाएगी। तो उस पॉलिसी पर अभी काम किया जा रहा है, और उस पॉलिसी के अंडर जो रजिस्टर्ड वेंडर्स होंगे, जो रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर्स होंगे, उनको जगह एलोकेट की जाएगी अपना अपनी जो 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 अपना सामान है वो बेचने के लिए, जिन्हें कि ब्लू कलर की एक लाइन से मार्क किया जाएगा और एक नंबर भी उनको एलोकेट किया जाएगा। पूरे देश में हिमाचल प्रदेश का बीड़ बिलिंग पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है, लेकिन अक्सर वहाँ पर कुछ हादसे होते हुए देखे जाते हैं जो कि अनफॉर्चुनेट हैं, लेकिन कई बार कुछ हादसे होते हैं जो वेदर की वजह से या कुछ भी अलग अलग रीजंस की वजह से हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक बड़ा हादसा होने से टला है बीड़ बिलिंग में, जहाँ पर कि एक टूरिस्ट पैराग्लाइडिंग कर रहे थे अपने पायलट के साथ, और अचानक से वेदर कंडीशंस ख़राब होने लगी और कुछ थर्मल्स उन्होंने एक्सपीरियंस किए, जिसकी वजह से चोगान जहाँ पर उनकी लैंडिंग साइट थी वो वहाँ लैंड नहीं कर पाए,
और थाथी विलेज में उनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. थैंक्स टू पायलट्स एक्सपीरियंस और नॉलेज जो पायलट को थी, जिसकी वजह से कोई भी बड़ा हादसा वहां पर नहीं हुआ और इमरजेंसी लैंडिंग उन्होंने थाथी विलेज में कर ली, जिसके बाद उन्होंने बीड़बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन को कॉन्टैक्ट किया और वॉलंटियर्स ने आकर उनको टाइमली रेस्क्यू कर लिया. तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर होने से बच गया, जो कि जिसका क्रेडिट सीधे सीधे जाता है जो पायलट थे उनकी जो एक्सपर्टीज और नॉलेज और एक्सपीरियंस था उसको. लेकिन कई बार जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं उसको ओवरलुक करते हुए देखा जाता है टूरिस्ट्स को भी, और कई बार कुछ लोकल्स भी जो हैं जो सेफ्टी मेजर्स जो लेने चाहिए वो नहीं लेते हैं एडवेंचर की स्पिरिट में आकर या जिस भी रीज़न से. तो वो उनको हमेशा लेने चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त किसी भी तरह का कोई हादसा हो सकता है और ये कोई भी नहीं चाहेगा कि इस तरह की कोई चीज़ उनके साथ हो जब वो एक एडवेंचर एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए कहीं पर आए हैं. आज की इस लाइव स्ट्रीम की जो आखिरी खबर है वो एक कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है. एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है कांगड़ा मिनिएचर कम्युनिटी जो है आर्टिस्ट की उसके बीच में और एक प्रिया नाम से एक आर्टिस्ट हैं कंडाघाट सोलन से उनके बीच में. तो जो प्रिया हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सम्मानित किया गया एक नेशनल अवार्ड से उनकी एक पेंटिंग के लिए जो उन्होंने सबमिट की थी. लेकिन जो कांगड़ा के आर्टिस्ट हैं उनका कहना है कि प्रिया की ओरिजिनल ये पेंटिंग नहीं है, उन्होंने ये पेंटिंग राजस्थान के किसी आर्टिस्ट से बनवाई है और उसको उन्होंने अपने नाम पर सबमिट किया है. साथ ही उनका दूसरा आरोप ये भी है कि जो कांगड़ा पेंटिंग्स हैं उनको GI टैग मिला हुआ है और उनको कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बना सकता है. वो मानी नहीं जाएगी कांगड़ी पेंटिंग अगर उसे किसी बाहर के व्यक्ति ने बनाया है. ऑन दी अदर हैंड प्रिया का कहना है कि पेंटिंग उन्होंने खुद बनवाई है, उन्होंने किसी राजस्थान के व्यक्ति से ये पेंटिंग नहीं बनवाई है. तो ये जो कंट्रोवर्सी है ये एक तरह से शुरू हो गई है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उस पर आरोप लगा रहे हैं जो कांगड़ा मिनिएचर कम्युनिटी के मेंबर्स हैं कि उन्होंने प्रॉपरली जो है इस चीज़ को चेक नहीं किया, रिसर्च नहीं की, और ये एक तरह से उनको स्वीकार्य नहीं है कि उनकी जो आर्ट जनरेशन्स ओवर जनरेशन्स उन्होंने जिसको जिंदा रखा उसको इतना केयरलेसली मतलब बिल्कुल उस पर रिसर्च नहीं की गई और किसी को भी ऐसे अवार्ड दे दिया गया. तो इस चीज़ पर वो नाराज़गी जता रहे हैं. और जैसा कि मैंने आपको बताया प्रिया जी जो हैं उनका कहना यही है कि पेंटिंग उन्हीं की है, उन्होंने खुद बनाई है, 7 महीनों तक लगातार उन्होंने इस पेंटिंग पर काम किया है. अब सच क्या है ये तो आने वाले समय में हमें पता चलेगा, लेकिन ये कंट्रोवर्सी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और आज काफ़ी अखबारों में भी इसका जिक्र था. तो आज के लिए बस इतना ही. आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट, और अगर कोई और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको लगता है हमें डिस्कस करनी चाहिए थी जो हमने नहीं किया तो आप वो कॉमेंट्स में डिस्कस कर लीजिए ताकि एटलीस्ट मिस ना हो. थैंक यू सो मच. देखते रहिए समाचार फर्स्ट.